खबर फरुखाबाद से है, जहां समय से मानदेय न मिलने से भड़की आशा बहुओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। सीएमओ कार्यालय में करीब आधा सैकड़ा आशा बहुओं ने धरना दिया है। साथ ही आशा बहुओं का कहना है कि नाम मात्र का जो वेतन मिलता है वह भी टुकड़ों टुकड़ों में दिया जाता है। वही अधिकारी आशा बहुओं पर एंड्रॉयड फोन रखने का दबाव बना रहे हैं। पूरा मामला फरुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। मतलब ये साहबगंज पीएससी है और हम सभी आशाओं ने एक इकट्ठा होके कि मतलब धरना इसलिए रखा है कि हम लोगों के वेतन किया जाए और हमें अब टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, हमें वेतन किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने धरना, जो 2000 रुपये वो भी हमें हम लोग को पूरा नहीं मिलता है। दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं, छः छः महीने हो जाते हैं तब हम लोग को पेमेंट किया जाता है। खसरा बूस्टर तो 3 साल से, खसरा बूस्टर से ये 2018 से हम लोग का खसरा बूस्टर कोई पैसा नहीं आया है। हम लोग बहुत तृप्त हैं, अब अधिकारियों बहुत लोग तृप्त हो चुके हैं और अधिकारियों के पास जा जाके हम लोग बहुत थक चुके हैं। तो आपकी मतलब क्या मांग है, आपकी क्या मुद्दा रहेगा? 18,000 हम लोग का वेतन किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। अगर आपकी मांग ये मतलब सरकार ने पूरा नहीं किया तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? अनिश्चितकाल हम धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी हम धरना नहीं खत्म करेंगे। तो किसी को आपने विज्ञापन दिया है क्या? अभी दे चुके हैं। किसको दिया है? डीएम साहब को भी दे चुके हैं, सीमा ऑफिस में भी दे चुके। क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ नहीं बोला करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये बोला कि हाँ बस आप लोगों ने ये हमको एप्लीकेशन दी है, हम इसके उसका कुछ विचार करते हैं। खबर कन्नौज से है, जहाँ कोतवाली क्षेत्र के रंगियनपुरवा गांव में नवजात का शव मिलने का मामला सामने आया है। वहीं नवजात के शव होने की जानकारी मिलने की सूचना गांव में फैल गई, साथ ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। फिलहाल अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह शर्मसार करने वाली हरकत किसकी थी। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। साथ ही गाँव में नाले के पास नवजात का शव मिलने के मामले से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यहाँ पे सुबह को लड़के लेटिंग करने जा रहे थे, देखा नाले में बोरी पड़ी हुई है और बोरी में एक बच्चा पड़ा हुआ है, तो कई लोगों ने देखा, फिर हम भी आए, देखा ये बच्चा पड़ा हुआ है। अच्छा, नाले में कैसे जानकारी मिली थी? अरे एक बच्चा लेटिंग करने आया था, उस बच्चे ने देखा है, कुत्ता लोग तो खींच रहे थे, बोरी से बाहर निकल आया, तो काफ़ी लड़कों ने देखा, फिर भीड़ लग गई यहाँ पे। तो पुलिस को सूचना कर दी? नहीं, अभी तो नहीं की, शायद कुछ लोगों को कॉल तो की थी, अभी आई नहीं है पुलिस आई नहीं है। कितना बड़ा बच्चा है? शायद ही होगा 6-7 महीने 8 महीने का, छोटा सा ही अभी। दाने बाबा के रोड के पास नाला है, उस नाले में बहुत बड़ा नाला है, गंदगी रहती है, गहरा हुआ नाला, उसी में कोई भी चीज उसी में सब लोग फेंक जाते हैं। वही खबर बिजनौर से है, जहां एक पीड़ित महिला को शिकायत करना भारी पड़ गया। बता दें कि थाना कीरतपुर क्षेत्र के ग्राम बुटगरी निवासी एक विवाहिता महिला ने अपने पति सहित नंद व जेठ के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आरोपियों को खबर लगते ही आरोपियों ने पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दी है। अब पीड़ित ने फिर पुलिस को तहरीर देकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। सब चीज के लिए इनकार कर दिया और फिर काफ़ी दिन हो गए इंतज़ार करते हुए, मतलब मैंने सोचा था कि आएंगे लेकिन वो कोई नहीं आया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब हमें पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो हमने उनसे पता किया, लेकिन उन्होंने हमें बोल दिया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर हमने परसों 27 तारीख को किरतपुर थाने में एक तहरीर दी थी। जब उन्हें पता चला कि हमने ये तहरीर दी है तो मेरे जेठ और 3 लोग उनके साथ और आए थे, उन्होंने हम किरतपुर जा रहे थे तो उन्होंने हमें रास्ते में रोक के धमकी दी और मारने की कि अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और घर आके गोली से उड़ा देंगे और तुम हमारा कुछ नहीं। खबर लखनऊ से है, जहाँ एक पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है लेकिन उसे इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसके लिए उसने थाने से लेकर योगी के दरबार तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है, बल्कि फर्जी मुकदमा बताकर थाने में पीड़ित पर ही दबाव बनाया जा रहा है। और मामला ये हमारा है, 5 साल पुराना है, इसमें कुछ दबंगों द्वारा हमारी भूमि को कब्जा किया जा रहा है, जो मेन हरदोई रोड पे 11,000 स्क्वायर फीट है। इसमें एक मनोज कक्कड़ नाम के एक व्यक्ति हैं, भू माफिया, इनके साथ काफी सैकड़ों लोग इस जमीन पे आ चुके हैं बार बार कब्जा करने के लिए। इसमें पुलिस का भी मामला है, हाथ है इसमें,
इसमें सिविल में 18 में गए और 19 में इन्होंने एक FIR दर्ज करा दी हमारे खिलाफ, जिसको थाना हमेशा ये कहता रहा कि फर्जी मुकदमा लिख गया इसको खत्म कर देंगे। उस बात को कई महीने तक नोकझोंक चलती रही और पूरा थाना ये बात कहता रहा कि इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाएगा, ये फर्जी है। उसी के चलते हुए चूंकि अनिल कुमार उसमें रिश्वत मांग रहे थे और सामने नहीं आ रहे थे, जिसे लगभग 5 लाख रुपए अगले से कहा था उन्होंने। कौन है अनिल कुमार? कौन? अनिल कुमार निदेशक थे। ये किसी उच्च अधिकारी से जाके मुलाकात की गई, कंप्लेंट की? 5 साल से कंटिन्यू हर पोर्टल पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, कहीं नहीं बाकी रखा जहाँ पर कि हमने एप्लीकेशन नहीं दिए हो और उसका एप्लीकेशन थाने ना आया हो। लेकिन थाने में हर बार यही बात कही गई कि ये फर्जी मुकदमा है, ये भाई आप परेशान ना हो। किसी पुलिस वाले ने आज तक ये नहीं कहा कि आप इसमें अपराधी हो। और जो 12 तारीख को घटना हुई है, सुरेश ने जानलेवा हमला किया था, उसमें सीधा गवाह है वो, जो जिनके सामने किया था, मैं कुर्सी पर बैठा था, उसने जान से मार देने की धमकी दी, ईंटा उठाया और उसी शख्स ने, चाय वाले ने उस ईंटे को निकोड़ कर उसको हटाया वहां से। और थाने में जब, और पुलिस क्या किया, उस 4 दिन के बाद उसने एप्लीकेशन लेके गया थाने में SC ST लगवाने के लिए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां नेशनल हाईवे 24 पर बजाज एजेंसी के सामने एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि घटना की सूचना पाते ही उचौलिया पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक कक्षा 7 का छात्र था। घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जन्मदिन के अवसर पर कोतवाली परिसर बैंक्वेट हॉल में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान राउंड टेबल पर लगी छतरी के नीचे बैठकर भोजन करने की व्यवस्था भी की गई, साथ ही फरियादियों को गेट पर ही रोक दिया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक दबंग सत्ताधारी नेता ने बाबा के बुलडोजर का दुरुपयोग कर एक गरीब का मकान ढहा दिया। बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि बिना किसी आदेश के सत्ताधारी नेता जुगल किशोर ने खड़े होकर बुलडोजर से उसके मकान को ढहा दिया। इस दौरान उन्होंने थाने से लेकर जिलाधिकारी तक फोन कर गुहार लगाई है, लेकिन उनके सामने पुलिस और प्रशासन कठपुतली नजर आया। वहीं पीड़ित की पत्नी और बेटियों ने दबंग पर अभद्रता का भी आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की गई, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वही कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने आत्मदाह की धमकी दी है। यहाँ इसके अलावा रहने का कोई हम लोग का बस वो नहीं है, हम लोग रोड पे आ जाएंगे, कोई तो सुनना नहीं चाह रहा है। चाहे थाने भी गए थे, थाने पर भी किसी ने नहीं सुना, वो यही बोल रहे हैं पैसे वाले लोग हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती। तो क्यों आखिर फिर आप लोग रोड पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, किसी से कोई क्या सहारा, क्या आप मांग कर रही हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा जो आवास है हमारा वो सुरक्षित रहे। PM और CM से हम यही चाहना चाह रहे हैं, बस हमारा आवास सुरक्षित रहे। हमारा पुराना घर उन्होंने तोड़वा ही दिया है, कम से कम हमारा ये घर है यही सुरक्षित रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ निकल जाए, हमको तुम निकालते हैं, मकान भी तोड़ दिया है, पराया घर में रहते हैं, तभी कहाँ जाए हम, बताओ पहले। हम जो हम रोड पे आ जाएंगे तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे, इसके जिम्मेदार तो यही प्रधान और जुगल किशोर लोग होंगे। हमारा तो सब कुछ छीन लिया, हमारा तो आधा मकान भी उधर तोड़वा दिया बना था, अब हमारा जत्तो धन से घर से निकल जाए अभी खाली नोटिस भिजवा देंगे इसके, और नहीं तो सब ऐसे तोड़वा देंगे, धमकी रोज देते हैं। हमारा घर है यहाँ, हम लोग रह रहे थे इतने दिन से, हमारा पूरा परिवार रहा था उधर, हमारा घर तो उन्होंने तोड़वा दिया है। जब हमारे गांव के जो प्रधान हैं वो मिलके और जुगल किशोर जो हैं वो सब लोग हमारा ये घर तोड़वा रहे हैं, यहाँ से निकलने को कह रहे हैं अगर नहीं निकलोगे तो इसी में हम लोगों को दबा देंगे, मर जाओगे इसी में, वो कह रहे हैं जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो। खबर देवास से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में जनपद सभागृह में कुल 110 मतदान अधिकारियों का प्रथम चरण का मतदान प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। वहीं मास्टर ट्रेनर के द्वारा आगामी 5 जनवरी को जनपद वार्ड नंबर 10 कमलापुर हेतु जनपद सदस्य तथा पंचपद हेतु संपन्न होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। वहीं बताते चले कि पंचपद की गणना मतदान उपरांत मतदान
मतदान केंद्र पर तथा जनपद सदस्य पद हेतु मतगणना 9 जनवरी को विकासखंड स्तर पर होनी है। वही परिणामों की घोषणा 11 जनवरी को होगी। बता दें कि यह संपूर्ण जानकारी निर्वाचन शाखा प्रभारी प्रहलाद चावड़ा ने प्रदान की। खबर इटावा से है, जहां नगर के एक रिसोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने समाज के लोगों के सामने एक गोष्ठी को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा है कि समाज के लोगों ने मैनपुरी में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव को वोट कर भारी मतों से जिताया है, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज के सुमित शर्मा को अपने सामाजिक संगठन विश्वकर्मा ब्रिगेड का तहसील अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा भी की। अंत में अभिषेक शर्मा की हुई मौत पर 2 मिनट का मौन भी धारण किया। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ट्रक की ईंटों भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों से लगातार सड़क हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।